मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर के अध्यक्ष और यहां उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, जिस बिल की चर्चा मेरे दोनों पूर्व वक्ताओं ने की, मैं इसके बैक पीछे आपको ले जाना चाह रहा हूं। इसके पृष्ठभूमि में आखिर ये क्यों लाया गया, ये बिल क्या है, इसको आगे चर्चा करेंगे। बिल लाया क्यों गया, मुझे यहां बैठे हुए जितने लोग लग रहे हैं, दो तीन को छोड़ करके सब इस देश की आजादी के बाद पैदा होने वाले लोग हैं, लेकिन जिन्होंने इस देश के विभाजन के समय थे, विभाजन इस देश का हुआ, किस आधार पर विभाजन हुआ, उस समय जिन्ना मुस्लिम लीग के थे और कांग्रेस के नेहरू जी थे, दोनों में प्रधानमंत्री बनने की होड़ थी, लालसा थी। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि इस देश का विभाजन नहीं होने दूंगा, यदि विभाजन हुआ तो मेरी लाश पर होगा, ये उनके शब्द थे। लेकिन इन दोनों लोगों ने धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन किया, अर्थात जो इस्लाम है, मुसलमान है, वो पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू इस देश में रह जाएंगे। ये धार्मिक आधार पर विभाजन होना, वहीं की शुरुआत है इस नागरिकता संशोधन अधिनियम की। यदि ये देश धर्म के आधार पर विभाजन नहीं हुआ होता तो इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। विभाजन हुआ, आप में से कुछ काका बैठे बुजुर्ग लोग, मुझे ध्यान है उस समय पाकिस्तान से पूरी एक ट्रेन लाशों की कटी हुई यहां पे आई है। उसके हमने तो उस समय ये छोटे थे, लेकिन यहां पे गदर फिल्म देखी होगी, गदर फिल्म में इसको दर्शाया गया। उसको देखकर के कोई सुन सकता है, कोई जान सकता है, उसका मन जो है किस प्रकार से आकर्षित हो सकता है कि हमारे वहां से हिंदुओं की लाशें कटी हुई आई, या आखिर क्यों? कारण धर्म के आधार पर देश का विभाजन। वो चाहते थे हिंदू या न रहे, एक अपना देश, जिन्होंने कहा जो यहां रह गए उनका पूरा सम्मान मिलेगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्व के अंदर यदि मुसलमान सबसे ज्यादा सुखी है तो वह भारत में है, और उसके बाद भी। अब जब विभाजन के बाद हम लोगों ने देखा, लाशों का तो एक उदाहरण दिया, लेकिन सभी लोगों की वहां पे संपत्तियां छूट गई या लूटी गई। वहां पे हमारे कई बहनों की इज्जत अस्मिता लूटी। अपना धर्म बचाने के लिए हम यहां पे आए, हालांकि कुछ लोगों ने उनको शरणार्थी कहा, लेकिन मैं उनको शरणार्थी नहीं मानता, विस्थापित हुए, डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, वो यहां पर आए, नागरिकता की बात चली, लेकिन उसके बाद भी कई लोग वहां रुक गए। और उस समय के आंकड़े बताते हैं कि उस समय वहां पर अल्पसंख्यक अर्थात हिंदू और सिख सिंध के अंदर 23% थे। कितने? 23% थे। वे 7% थे, आज 14% हो गए। तो जनसंख्या सबकी बड़ी है, यहां भी बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश उसका एक पार्ट था, आखिर क्यों 23 से 3% हो गई भाई? किसी के पास कोई जवाब नहीं। और इसका जवाब में अर्थात 20% कहां गए? या तो धर्मांतरित हो गए, या मार दिए गए, या फिर विस्थापित होकर के अपने देश पर आए। जब अपने देश में आए तो कैसे जिएंगे? क्या उनके रोजी रोटी कमाने का अधिकार नहीं है?